फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड यस, आप सबको हैप्पी होली। सो दोस्तों, आज हम होली का पूजन के लिए जो भोग चढ़ाया जाता है उसकी रेसिपी खानदेशी स्टाइल में बनाएंगे। तो चलो इसे शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग प्रकार की दाल ली है, जिसमें मैंने लिया है मूंग, मटकी और चने की दाल। सो दोस्तों, अभी मैं इन 3 चीजों को अच्छे से वॉश कर लूंगी और इसमें पानी ऐड करके इसे भिगोने के लिए रख दूंगी। फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, ये पूरी तरह से डीप हो चुके। इतनी क्वांटिटी में पानी हमें ऐड करना है। और आप देख सकते हो, हमारी दाल भिगो के बिल्कुल भी अच्छे से रेडी हो चुकी है। दोस्तों, अभी हम लेंगे लहसुन, अदरक, हरा धनिया, जीरा और उसे मिक्सी में डाल के उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। As you can see, दोस्तों, ये अभी भी अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ है, तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ भिगोए हुए दाल और इसे भी अच्छे से मिक्सी में ही ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों, आपको ये ग्राइंड करते वक्त वाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बिल्कुल भी ड्राई फॉर्म में पेस्ट बना है। अभी दोस्तों, इसी तरह हमें पूरी दाल विदाउट वाटर मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी दाल मिक्सी से अच्छे से ग्राइंड कर ली है। अभी हम उसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। यहाँ पे मैं अभी ऐड करूंगी कुछ नमक। नमक आप आपके हिसाब से भी डाल सकते हो। दोस्तों, सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे साइड कर देना है। फिर एक बड़े से बर्तन में हमें लेना है पानी और अभी हम इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से इडली के बर्तन में स्टीम पे पका लेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, बर्तन में मैंने अच्छे से ऑयल पहले लगा लिया है, फिर बाद में इसके छोटे छोटे डो बना के मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। दोस्तों, 15 से 20 मिनट में लीड हटा के आपको चेक कर लेना है ये अच्छे से पक चुके हैं या नहीं। दोस्तों, ये 10 से 15 मिनट में काफी अच्छे से पक चुके हैं, तो हमारे यहाँ पे फुलके रेडी है। आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अभी हम बनाएंगे दलिया, जिसके लिए मैंने मार्केट से ऑलरेडी दलिया मंगा के रखा है। तो अभी हम इसे बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दलिया मैंने अपने हिसाब से क्वांटिटी ले ली है, तो आप भी आपके हिसाब से सफिशिएंट क्वांटिटी में दलिया ले लेना है। फिर उसमें ऐड करना है ऑयल और वाटर और उसे अच्छे से मिक्स करके रख देना है।
दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आधा घंटा दलिया पानी और ऑयल में अच्छे से मिक्स करके सोख होने के लिए रख दिया था। तो अभी हम इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो अभी हम साइड बाय साइड लेंगे गुड़ और उसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने क्रश किया हुआ गुड़ अच्छे से ले लिया है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 2 से 3 ग्लास वाटर। दोस्तों जब तक गुड़ का पानी उबलता है तब तक मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स चॉप कर लूंगी। दोस्तों यहाँ पे मैं कोकोनट को अच्छे से ग्रेट कर लूंगी ताकि ये दलिया की टेस्ट और भी एनहांस कर सके। सो आप भी इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें और ग्रेट किया हुआ कोकोनट आप भी दलिया में जरूर ऐड करें। दोस्तों अभी यहाँ पे गुड़ का पानी अच्छे से उबलने के बाद इसे छान लेना है ताकि इसमें कुछ कचरा हो वो निकल जाए। दोस्तों अभी हम गुड़ के पानी में ऐड करेंगे कुछ नमक और थोड़ा सा ऑयल। एंड यस अभी रोस्ट किया हुआ दलिया हमें इसमें ऐड कर देना है और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। दोस्तों दलिया जैसे ही पकने को आए उसमें हम ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ कोकोनट और चॉप किए हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स और उसे 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा दलिया बनके बिल्कुल भी रेडी है जिसे खानदेश में बाट भी कहा जाता है। तो आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।